मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी गलती एक ने की है तो उसकी सजा हर आदमी को क्यों दी जा रही है? आप हमें कमजोर समझते हैं। देखिए, हम अहिंसावादी हैं। देश आजाद हुआ था, शुरुआत हमारे बलिया की धरती से हुई थी। तो हम जब अंग्रेज को भगाना जानते हैं ना, तो हमारे वीरों की धरती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सब सुधर जाइए। अभी भी देखिए, हमारे मन में सम्मान ही आपके लिए, आप बोल रहा हूं तो प्लीज, मैं कह रहा हूं कि इंसान इंसान होता है, गलती कोई एक करता है ना, आप उसको जो सजा देना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं, उस बच्ची के साथ हैं, उस गुजरात की उस बेटी के साथ हैं। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहनें हैं। कोई भी गलती करता है, हो चाहे मैं क्यों ना हूं, किसी की भी बेटी बहन के साथ छेड़खानी करना या गलत व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया गलत है, पूरा यूपी बिहार गलत है। कोई एक ही गलती किया है ना, वो किसी से पूछ के तो नहीं किया है, यूपी बिहार की सलाह से तो नहीं गया है उस सब काम करने। उस बेटी के लिए हमारे मन में सम्मान है कि ईश्वर ना करे कि किसी के घर के बेटी के साथ ऐसे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर यूपी बिहार के इंसान गलत है, हर आदमी गलत है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कि प्लीज आप यूपी बिहार के लोगों पे इतना अत्याचार मत करिए। ये 8 दिन से चल रहा है, हमारे भाई किसी ने बोला, हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हद हो गया है। आज मैंने टीवी, मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने आज मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने टीवी देखी, तो पूरा सिर्फ हमारे लोगों को सिर्फ पीड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज तो 12 से 14 लोगों को मार दिया इन लोगों ने, और भयंकर सर फाड़ दिया है। हम बड़ी शालीनता के लोग हैं, गुजरात वाले भाई लोग बहुत शालीनता है, इस मन में बहुत दया है। हम पत्थर को विश्वास से पूज लेते हैं, हमें लड़ाई झगड़े नहीं आते, हम एक शालीनता की जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आप लोग तकलीफ में होते हैं ना, तो वो तकलीफ देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बच्चा हूं, और मैं भी बहुत मेहनत किया हूं भाई, मैं बहुत मेहनत किया हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्लीज एक होकर, और मैं गुजरात वासियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, मैं हम लोग एक मेहनत करने वाले लोग हैं, शालीनता की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक होके और यूपी बिहार के मदद के लिए जुड़ना है हम सबको, और क्योंकि हमारी जीवन और हमारी शालीनता जो है यूपी बिहार के लोगों के लिए है, हर उस आदमी के लिए, हर इंसान के लिए। लेकिन हमें जिसने बनाया है, हमें इतने सारे जो प्यार करते हैं, आज वो तकलीफ में है। आप सुधर जाओ, नहीं तो हमारा बिगड़ना तो शायद कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यूपी बिहार के लोग जब बिगड़ते हैं ना, तो कहीं भी फतेह हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि अपने देश में हम एक दूसरे को काटें और मारें, ये आपको शोभा नहीं देता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम सब ने चूड़ी पहन रखी है, हमारे अंदर भी वो ताकत है, हमारे अंदर वो पावर है जी, हम ईंट को भी हिला देते हैं। हम दशरथ माझी के राज्य के रहने वाले लोग हैं, हम पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं। तो आप तो इंसान हो, कितना टाइम लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। दशरथ माझी जैसे वीर हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे लोग पैदा हुए हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो शायद हमारा बिगड़ना बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ जाएगा। कश्मीर में नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो इनको यूपी बिहार वालों ने पता नहीं इनका कौन सा घर उजाड़ दिया है। किसी गलती एक ने की है और ये सारे लोगों को दोषी बनाकर, और सारे लोगों को एक और है कि गुजरात छोड़ो। जिस दिन हम छोड़ाएंगे ना, उस दिन कहीं नहीं रह पाएंगे आप। प्लीज हम कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों पे इतना जुल्म मत ढाई, आप सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक छोटी सी झगड़ा होती है, हाँ 10-20 लोगों को ठीक है आपने टॉर्चर किया, तो वो भी तो इंसान है ना। अगर हम एक होकर अगर जिस दिन गुजरात पे चले आए ना, तो कम पड़ जाओगे भाई मेरे, बहुत कम हो आप। हमारी आबादी 30 करोड़ जनता है हमारी, यूपी बिहार, सिर्फ बिहार की, भोजपुरी बोलने वाले 30 करोड़ हैं। आज आए ना तो गुजरात का पता तक नहीं चलेगा यार। लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि आप भी इंसान है, और इंसान है तो इंसान का कद्र करना सीखिए आप। इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है जो हमारे मन में होती है,
हम इंसान हैं और इंसान को मारते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? गलती किसी एक ने किया है ना, ऐसे बहुत सारे रेप हुए हैं, तो क्या पूरी दुनिया को लोग दुनिया दोषी कर देते हैं, उस पूरा राज्य दोषी हो जाता है? गंगा के पानी की तरह इंसान होता है यार, गलती कोई एक करता है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गंगा को दोषी कर दोगे तुम। हमारे यहाँ गंगा बहती है, उस गंगा के मिट्टी के हैं हम लोग, बनारस में डुबकी लगाते हैं, उस देश के रहने वाले हैं, नहीं तो शायद गुजरात के पास अगर पैसे हैं ना तो हमारे पास इतने लाठी है ना कि शायद उतने पैसे कम पड़ेंगे भाई आपके। तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर चैलेंज करूँगा तो क्या होगा शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देखिए दर्द तो दर्द होता है, उनको जब मार रहे हो ना वो दर्द मुझे भी होती है, क्योंकि हम सब एक हैं, इस देश में रहने वाले एक इंसान हैं, आम नागरिक हैं। और आप भी किसी देश में जाकर बिजनेस करते हो, अगर हम खड़े हो जाए ना तो शायद गुजरात के लोग कहीं और नहीं जाएंगे। गुजरात भी प्यारा है, आप सब प्यारे हो, तो ऐसे दंगे मत करो। गलती जिसने किया है उसको सजा दीजिए।